उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव ने 16 अप्रैल को नामांकन दाखिल कर दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव ने हलफनामे में अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी दिया। साल 2022 की बात करें तो उनकी संपत्ति करीब 14 करोड़ रुपए थी। आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि चुनावी हलफनामे के मुताबिक डिंपल यादव के पास कितनी संपत्ति है। सपा प्रत्याशी के मुताबिक 10.44 करोड़ रुपए से ज्यादा की अचल संपत्ति और 5.10 करोड़ की चल संपत्ति है। उनके पति अखिलेश यादव और डिंपल की कुल अचल संपत्ति 27.66 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मिली जानकारी के मुताबिक सपा उम्मीदवार के पास डिंपल यादव के पास 15 करोड़ से ज्यादा की चल अचल संपत्ति है। उनके पास 59.76 लाख रुपए से ज्यादा की गहने हैं। दो साल पहले भी जमा किए गए हलफनामे में इतनी ही कीमत के गहने की जानकारी दी गई थी। डिंपल के पास अपना कोई वाहन नहीं है। बीकॉम शिक्षित डिंपल यादव के हाथ में 5.72 लाख रुपए नकद भी है, जबकि पति अखिलेश यादव के पास करोड़ से ज्यादा की चल संपत्ति और 25 लाख से ज्यादा की नकदी हाथ में है। कई बैंकों में संचालित खातों में भी लाखों रुपया जमा है उन पर, और पति अखिलेश यादव पर कई लाख की देनदारी भी है। 46 वर्षीय डिंपल यादव पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। शपथ पत्र के अनुसार उनके पति अखिलेश यादव पर वर्तमान में करीब 25 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है। हलफनामे के मुताबिक डिंपल यादव के पास 1.25 लाख रुपए की कीमत वाला एक कंप्यूटर है। वहीं उनके पति अखिलेश यादव के पास 76,000 से ज्यादा का मोबाइल फोन, 5.34 लाख रुपए से ज्यादा की एक्सरसाइज मशीन है और 1.6 लाख रुपए से ज्यादा रुपए की क्रॉकरी है। सपा प्रत्याशी कर्जदार भी हैं, उन पर 74 लाख से ज्यादा कर्ज है, जबकि अखिलेश यादव पर करीब 25 लाख का कर्ज है। दोनों के LIC, जनरल इंश्योरेंस आदि में लाखों की धनराशि भी है। बेटी अदिति भी लाखों की संपत्ति की मालकिन है। इनके खाते में कई लाख जमा है। अदिति का लंदन में भी खाता है। वहीं इसके अलावा लंदन में उनका बैंक अकाउंट भी है। अदिति के बैंक अकाउंट में कई लाख रुपए जमा है। वहीं बाकी दोनों बच्चे टीना और अर्जुन पर कोई संपत्ति और नकद धनराशि नहीं होने की जानकारी दी गई है। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल।